अंसार है, अंसार इसको लेके आ गया। देखिए बोले 100,000 साल के दिन हो पांच तो भाई इसको देखिए, ये थोड़ा सा दिखा दो पहले इसको। तो देखिए जब हम सूखने दिए थे तो 100% मतलब पूरा था ये, ठीक है। अभी सूख चुका है, आधा आधा सूख चुका है, तो ये कल पूरा सूख जाएगा। उसके बाद कल से हम लोग चाय। तो आज कल मेरा मम्मी का मूड थोड़ा सा ठीक ठाक था, ठीक है, तो इसलिए हम लोग को बगिया बना के दिया है। तो इस बार हम लोग बगिया फर्स्ट बार खा रहे हैं। आप लोग कितना बार खाया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज का बस, आज है फ्राइडे, तो आज हम थोड़ा सा अम्मी जो है ना थोड़ा सा अलग नाश्ता बना के देगी हम लोग को। तो हम लोग बोल दिए थे सुबह ही उठ के आज अलग नाश्ता बनाना है हम लोग के लिए, तो पता नहीं क्या बनेगा। तो हम लोग भी देखेंगे और आप सबको भी दिखाएंगे। तो मिलते हैं आप सभी से फिर आगे में और कंटिन्यू ब्लॉग में। तो आप सभी देखिए क्या हो रहा है, देना है। तो आज अम्मी ने बनाई है खिचड़ी हम लोग के लिए, तो मैं खा लेती हूँ और छत पे आ गई हूँ धूप पे। उसके बाद खा लूँगी, उसके बाद फिर कंटिन्यू करूँगी ब्लॉग का। मैं फिर से धूप में आ चुकी हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ ना चाय का मसाला बनाने के लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे चाय का मसाला मतलब, तो ये चाय का मसाला बना रहे हैं हम अब घर में ही, ठीक है। तो चाय पीने का आदत कुछ दिन से लग चुका है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मसाला मैं बना लूँ। उसके बाद चाय का ये अदरक है, इसको कद्दूकस करेंगे उसके बाद डालेंगे। और इधर ले चुके हम लोग, ये रहा गुलाब का कलियाँ, ठीक है, पत्ता, और ये रही तुलसी का पत्ता। उसके बाद इसको फिर हम लोग कद्दूकस करेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे। और कुछ लिए हम लोग इधर, ये छोटा इलायची एंड काला जीरा, इसको हम लोग कूट लिए, उसके बाद इसमें डालेंगे। उसके बाद दो दिन इसको सुखाएंगे, सूख जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग चाय में डाल के पियेंगे। तो अभी पहले मैं इसको चलती हूँ बनाती हूँ कैसे कैसे बनाया जाता है, उसके बाद फिर मैं सूखने दूँगी। मैंने देखिए अदरक को कद्दूकस कर लिए हैं, तो इधर डाल दिए हैं। उसके बाद इधर है तुलसी पत्ता और इधर है गुलाब का कलियाँ। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे एक ही जगह, मिक्स करने के बाद फिर इसको सुखाएँगे। तो मैं फाइनली पहले इसको ले लेती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी ये रेमेडी घर में बना के यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है और चाय भी ज़्यादा टेस्ट होता है। तो आप सभी देख सकते हैं फाइनल हम उसको ऐसे ले लिए हैं, ठीक है। इधर तुलसी पत्ता दे दिए, इधर अदरक दे दिए, उधर गुलाब कलियाँ दे दिए, और इधर बीच में छोटा इलायची एंड काला जीरा दे दिए, दोनों दे दिए। अब इसको थोड़ा सा जा रहे सूखने के लिए धूप में देने के लिए। तो इसको यहाँ पर रख देते हैं, धूप में सूखेगा दो दिन, उसके बाद आपको दिखाएंगे इसको दो दिन के बाद इसका रिजल्ट। तो मैं फाइनली खाना वाना खा के रेडी हो चुकी हूँ। अब उसके बाद थोड़ा सा चाय पीऊँगी, कि चाय में थोड़ा सा चाय पीने का थोड़ा सा ना मन कर रहा था बहुत ज़्यादा ही, तो इसलिए मैं चाय लेके आ गई अपने रूम पे। और मेरा बेड अभी तक मतलब ठीक नहीं हुआ है। मैं सुबह से उठ गई थी बट उसके बाद अपने रूम पर आई नहीं थी, कि मेरे रूम पर क्या क्या समेटना है क्या नहीं समेटना, तो मैं अभी वैसे ही रखी थी। तो अब थोड़ा सा समेटूँगी उसको उसके बाद। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि चाय में चाह है, तो इसलिए मैं पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लेती हूँ, उसके बाद फिर काम करूँगी, उसके बाद फिर आप सबसे फिर मिलूँगी। तो आप सब ना देख सकते मेरा बेड को, देखिए जैसे हम सो के उठे वैसे है ही, अभी तक पूरा जैसे सोए हैं वैसे था ये भी। अब उसको थोड़ा सा समेटेंगे उसके बाद ही, पहले मैं चाय पी लेती हूँ। तो आप सब चाय पी ले, तो पहले मैं अपना बाल बांध लेती हूँ। मैंने बेड सेट कर लिया है, तो देख सकते हो सब इधर से मैं खा लेता हूँ। यहाँ पे मैं इधर पैर रखती हूँ, तो बस मेरा बेड सेट हो चुका है, अब बस रात में सोना है। सो गाइस, मैं बेड उड समेट के उसके बाद उस पर ही सो गए थे, ठीक है। तो मैं नींद पे चले गए थे, उसके बाद ये लोग सब आया हमको उठा दिया यहाँ पे आके। तो अब हम लोग बहुत देर से मस्ती सी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप सभी को भी दिखा देती हूँ ये लोग आया है। तो मैं सो गई थी, तो अभी सो के उठ गई हूँ, और मैं फिर छत पे नहीं गई थी, तो अंसार लेके आ रहा है उसको, तो मैं आप सबको उसको भी दिखाएंगे कि उसका मतलब 100% जा था, तो अब 50% हो चुका है सूख के, ठीक है। तो मैं आप सबको उसको भी दिखाऊंगी। पहले इन लोगों को देख लिए, आप कितने देर से मस्ती कर रहा था, रील शूट हो रहा था, सब कुछ हो रहा था,
तो पहले इसको देख लो, ये भी बैठा है यहाँ पे, ये भी अब मस्ती कर रहा था अपने इधर से, और इधर निसार भी बैठा है, ये लाइट लेके बैठा है, लाइट जलाने के लिए जा रहा हूँ, बोला इस लाइट में रोशनी कम है, इसको भी लगा देंगे, सजेशन इसने दिया है, ठीक है। ये बोला कि लाइट रूम में थोड़ा कम लग रहा है। और इधर अंसार है, अंसार इसको लेके आ गया, देखिए बोले 100,000 साल के दिन हो तो भाई इसको देखिए, ये थोड़ा सा दिखा दो पहले इसको, तो देखिए जब हम सूखने दिए थे तो 100% मतलब पूरा था ही, ठीक है, अभी सूख चुका है, आधा सूख चुका है, तो ये कल पूरा सूख जाएगा, उसके बाद कल से हम लोग चाय पे डालेंगे और मस्ती मजे लेंगे इसका, ठीक है। आप लोग भी इस रेसिपी को मतलब इसको आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, तो आप लोग भी ट्राई करके पी के बताइएगा कि कैसा लगा। हमको तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हम एक बार मैं ट्राई कर चुकी हूँ, ये दूसरा बार है मेरा। और ये रहा अनुसार, ये भी शायद कुछ बोलना चाहेगा, बोलिए ना इसके बारे में, इसके बारे में इसका फायदा क्या है, हमको तो पता नहीं है, तो क्या बता है इसका फायदा क्या है। चोरी यही किया था, पता है इस चीज को ये चोरी किया था, ठीक है, इतना बेइज्जती कर दो और भी कर दो। हाँ ये चोरी किया था, मतलब नहीं नहीं मतलब वहाँ पे था तो कोई था नहीं, तो किसको पूछ के लेंगे, उसे ये बोला कि रहने दो, किसी को पूछने से अच्छा है हम ले लेते हैं, हाँ बिना पूछे ये ले लिया था, ठीक है, यही लिया था। हम लोग अभी चोरी के लायक है और हम लोग को देख के लगता है कि हम लोग चोर है, लग रहा ना नहीं भाई, लग नहीं रहा है। और निसार भी इसमें साथ था, इसमें शामिल था, ठीक है, वो सेठ है, सेठ का बात कुछ अलग है, ये भी शामिल था इस चीज में, शोहरत इज्जत बाल के बराबर है उसका। और इसका कहना है कि इससे ये होता कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसको ट्राई करवाएंगे, इनको भी ट्राई करवाना है चाय पिला के तीनों, तो आप सभी भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है, टेस्ट करके बताइएगा कि इसका टेस्ट चाय में जो चाय पीते थे उससे ज्यादा है ना कम है, ठीक है। जिसको पता है तो भाइयों जरूर बोलना, हम जरूर कमेंट में बता देंगे क्या क्या बनता है, सब चीज से बनता है, अच्छा ठीक है। तो अभी निसार चेंज कर रहा है, एक ही दो लाइट सेम ही है, ठीक है, कुछ देर पहले उसको लगाया था, इसके बाद इसको लगा रहा है, बोल रहा है कि उस पहले अभी नहीं आ रहा रोशनी, अब इसको लगा के देखते हैं। इधर अब मेरा ही आग लाइट ऑन कर दी थी, ये चेंज कर रहा था, सेटल डाउन करो अभी, अब जलाओ भाई, सेम ही है, सेम है, सेम है, सेम है, कंपोजिशन सेम है, बस कलर ठीक भी है, ठीक है। सो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल से आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तो ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारा शेयर कीजिएगा, फिर हम लोग को ब्लॉग एडिट करना है, फिर कल के लिए अपलोड करना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, लव यू ऑल।